वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरसीबी टीम से अभी देखा जाए रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंजरी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, चाहे फिर वो लॉकी फर्गसन की हो चाहे फिर वो टॉम करन की हो। और इनमें से देखा जाए टॉम करन की इंजरी बहुत ज़्यादा बड़ी बताई जा रही है, जिससे देखा जाए वो IPL का 2024 सीजन मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर अभी ये बात निकल के आ रही है कि आरसीबी टीम इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन से प्लेयर को टारगेट करेगी। मेरे हिसाब से वेन पाल एक बार फिर से आप लोग को एज अ रिप्लेसमेंट आरसीबी की टीम में साइन होते हुए नजर आ सकते हैं। जैसा कि लास्ट सीजन आप लोग को ऋषभ टोपली के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखने को लेते, वैसे ही आप लोगों को टॉम करन की रिप्लेसमेंट के तौर पे भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग बोले हैं कि शामार जोसेफ को आरसीबी टीम अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। मेरे हिसाब से शामार जोसेफ के पास आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं पे देखिए लास्ट सीजन आप लोगों ने देखा होगा वेन पालन की अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार हुई थी जो कि गुजरात टाइटन्स का था, जहां पर उन्होंने देखा लास्ट ओवर में वो सुमन गिल से एक छक्का खा लिया था, उसके बाद देखा वो मैच खत्म हो गया था। देखिए एक मैच से आप किसी को भी जज नहीं कर सकते हो। वहीं पर देखा जाए उनकी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई थी आईपीएल, उन्होंने जितने भी मैचेस खेले थे 6 या 7 या 8 वो सारे के सारे परफॉर्मेंस उनकी अच्छी निकल के आई थी। वहीं पर देखिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, T20 लीग्स खेलते रहते हैं दुनिया भर की, वहीं पर ऐसे 20 में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। वहीं पर देखा जाए आरसीबी टीम से पहले भी खेल चुके हैं। वहीं पर देखिए अगर आरसीबी टीम शामार जोसेफ को अपनी टीम में शामिल करती है, देखिए उनके पास देखा जाए इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक लीग नहीं खेली हुई है। वहीं पर देखा जाए इंटरनेशनल का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सब देखा जाए T20 के 2 या 3 मैच खेले हैं, टेस्ट के 2 मैच खेले हैं, वहीं पर ODI के भी 3 या 4 मैच खेले, तो मतलब ये कोई एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। वहीं पर अगर आप दुनिया के सबसे नंबर वन लीग पे अगर आप शामार जोसेफ को उतार दोगे, वहीं पे बोलोगे कि बॉलिंग करिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग खुद समझ सकते हो कि एक ऐसा इनएक्सपीरियंस बॉलर जो आईपीएल खेलने जाएगा वो भी आरसीबी की टीम से और वो भी चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में, तो आप लोग समझ सकते हो क्या ही उसकी बॉलिंग की पिटाई होने वाली है। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा आरसीबी टीम वेन पालर को अपनी टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि देखिए अच्छी हैंडी ऑप्शन निकल के आएंगे। वहीं पर देखिए मिनी ऑक्शन में उनका नाम भी था, अनसोल्ड चले गए, और लास्ट सीन आरसीबी की टीम का हिस्सा थे जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई थी। तो आरसीबी टीम मेरे हिसाब से एक बार फिर से वेन पालन की तरफ देख सकती है, और मेरे हिसाब से आरसीबी को जाना भी चाहिए। लेफ्ट आर्म पेसर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखिए आपने डेविड विली को भी अपनी टीम से रिलीज कर दिया, तो आपके पास देखा जाए ऋषभ टोपली के बैकअप के तौर पर भी कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर देखने को नहीं मिलता है, फिर आपकी टीम में 2-2 लेफ्ट आर्म पेसर हो जाएंगे। तो बाकी मेरे हिसाब से आरसीबी टीम वेन पालन के पीछे जा सकती है, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका से आते, मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन टीम से देखा जाए आरसीबी टीम बहुत ज्यादा अपनी टीम में प्लेयर शामिल करती है, तो मेरे हिसाब से ये हो सकती है रिप्लेसमेंट। बाकी आप लोग इसमें क्या ओपिनियन होना चाहिए या फिर किससे एज अ रिप्लेसमेंट साइन करना चाहिए आरसीबी टीम को, आप लोग मुझे कमेंट में जो बताइएगा। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।